गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। जिस तरह से आपको ऑफलाइन में हम बात कर रहे हैं जितने क्लास का, उतने ही क्लास आपको ऑनलाइन में भी भेजते जा रहे हैं। इसलिए जो भी बच्चा घर पे रहना चाहें, बहुत आराम से रहें, समझ गए, आम खाते रहें, जामुन कटहल बरहर सब खाते रहें, पूरा ख़त्म हो जाएंगे तब आना है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, हम लोग ये देखे थे जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने का दो मेथड, एक डिस्पर्शन और दूसरा कंडेंसेशन। और डिस्पर्शन में से पेप्टाइजेशन और ब्रेडिंग आर्क मेथड कहे हैं, जो क्लियर करके रखना है। तो उस कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के दौरान कुछ ना कुछ ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, इम्प्यूरिटीज वही उसी को कहा गया है। यानी कुछ भी, कोई भी प्रोसेस हो, यदि हम जिसको बना रहे हैं तो उसके अलावा कुछ ना कुछ अलग मिल ही जाता है, और जो अनवांटेड है, जो पॉइजनस बन जाए, जिसका जरूरत ना हो, वे क्या कहलाएगा, इम्प्यूरिटीज कहलाएगा। तो वैसा ही बात हम यहां पे करने जा रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। उसमें पहला टर्म बात कर रहे हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस, डाय का मतलब ही होता है टू, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। एक वैसा प्रोसेस जिसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, उसको ही किस नाम से जाना गया है, डायलाइसिस के नाम से जाना गया है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स आयन फ्रॉम कोलोइड्स बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थ्रू एन एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर इज कॉल्ड डायलाइसिस। क्या कहा गया, एक वैसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रोलाइट को, और इलेक्ट्रोलाइट ना कह करके आप क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलाइट को, है ना, फ्रॉम कोलोइड्स यानी क्रिस्टलाइट्स, याद है कुछ, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स के अनुसार सोल्युबल सब्सटेंस को कितने कैटेगोरी में डिवाइड किए थे, दो, एक का नाम कोलोइड्स और दूसरे का नाम क्रिस्टलाइट्स। तो कोलोइड्स किसको कहा गया था, जो एनिमल मेम्ब्रेन से होके पास ना करे, और कोलोइड्स किसे कहा गया था, जो एनिमल मेम्ब्रेन से होकर के पास कर जाए। तो वही यहां पे कह रहे हैं, एक वैसा प्रोसेस जिसमें क्रिस्टलाइट को कोलोइड से अलग करेंगे, किस तरह से, डिफ्यूजन के थ्रू, किसके सहारे, तो एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर इज कॉल्ड डायलिसिस। डायप्रेटस यूज फॉर कैरिंग आउट सच सेपरेशन, यानी डायलिसिस के लिए जो एपरेटस इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम है डायलाइजर। उसका नाम क्या है, डायलाइजर। ये डायलाइजर कंसिस्ट ऑफ पार्चमेंट और सेलोफेन बैग, ये पार्चमेंट का या सेलोफेन बैग, उसको क्या करते हैं हम, हाफ इमर्ज्ड इन कंटिन्यूअस रनिंग वाटर द इलेक्ट्रोलाइट आयन स्लोली पास थ्रू द मेम्ब्रेन लिविंग प्योर कोलोइड सॉल्यूशन इनसाइड द अब इसके बाद होगा डायलाइजर। यानी आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए आगे क्या होगा, इनसाइड द डायलाइजर। तो हम यहां पे लिख देते हैं जो इनसाइड द, ये वाला टर्म उसके बाद आप लिखेंगे इनसाइड द डायलाइजर। क्लियर हो गया। तो जैसे ही हम लोगों से कहा जाए
डायलिसिस तो हम क्या समझेंगे, एक वैसा प्रोसेस जिसमें क्रिस्टलोइड को कोलोइड से अलग किया जाता है बाय यूजिंग एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन या इसी को हम लोग पार्चमेंट पेपर के हेल्प से, तो उसको ही हम लोग किस नाम से जानेंगे, डायलिसिस के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया। अब ये जो डायलिसिस है, इस डायलिसिस में हम लोग फोटो के हेल्प से बात करेंगे जो डायलिसिस किस तरह का होता है। चलिए देखिए, ये एक भेसल है बहुत सा बड़ा सा, और यहाँ पे इस भेसल में ये समझिए यहाँ से फ्रेश वाटर इन करा रहे हैं और इसमें हम इमर्ज कर दिए हुए हैं, हाफ हाफ इमर्ज्ड होता है, यही है हम लोगों का डायलाइजर। डायलाइजर जो किसका बना हुआ होता है, तो वेजिटेबल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है या पार्चमेंट पेपर का बना हुआ होता है। इसमें क्या कर दिए, तो भर दिए कोलोइडल सॉल्यूशन, लेकिन वे कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें क्रिस्टलोइड भी मिला हुआ है, मतलब इम्प्योर, इम्प्योर कोलोइड्स, ठीक है, इम्प्योर कोलोइड्स रख दिए, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन और प्लस क्या होगा इसमें, तो क्रिस्टलोइड ये भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको सस्पेंड कर दिए, मतलब लटका दिए कहां पे, तो वाटर में, रनिंग वाटर, फ्रेश रनिंग वाटर में इसको लटका दिए हैं। अब यहां लो लेवल से वाटर भेजा जाता है और यहां पे हाई लेवल से ये वाटर का इलिमिनेशन होगा। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन तो क्या है, सेमी परमियल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से हो करके ये पास आउट हो सकता है क्रिस्टलोइड, तो यहां से क्या होगा, अब ये क्रिस्टलोइड जो है ये पास आउट हो रहा है, ठीक। अब यदि ये पास आउट हो जाएगा तो यहां पे क्या रहेगा, वाटर रहेगा और प्लस क्या रहेगा, क्रिस्टलोइड, और फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा इसमें, इसमें अब क्या बचा हुआ रह जाएगा, तो कोलोइड बचा हुआ रह जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया किस नाम से जाना गया, डायलिसिस के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो सबसे पहले अगेन इस पॉइंट को समझें, ये फिगर तो पहले ही वाला है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इफ द डायलिसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, करंट के प्रेजेंस में, उस घटना को ही नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या समझे बात को, यदि डायलिसिस का घटना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट के प्रेजेंस में हो तो हम कह देंगे वे कौन सा घटना है, इलेक्ट्रोडायलिसिस है, ठीक। अब इस साइड पहले वीडियो को पॉज कीजिए, ये नोट कर लीजिए, कर लिए, चलिए अब देखिए। अब हम फिर इसी फिगर में कुछ चेंजिंग कर देते हैं, आप लोगों को तो दोबारा बनाना पड़ेगा, समझ गया बात को, आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से ये माइनस यानी कैथोड लगा दिए इलेक्ट्रिसिटी का, और ये देखिए ये क्या किए, प्लस यानी एनोड लगा दिए, मतलब इसको करंट से कनेक्ट कर दिए। अब इससे क्या होगा, तो ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिए, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है
उस इलेक्ट्रोलाइट पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं तो निगेटिव चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं तो निगेटिव, दोनों नहीं रहेगा। यदि सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां तो निगेटिव आ गया, और ये बात तो जानते हैं जो अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसलिए यदि ये न रहता उस समय इस पॉजिटिव को निकलने का रेट, और यदि ये यूज कर दिया जाए उस समय रेट अब फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर अट्रैक्शन होगा, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायलिसिस इज फास्टर दैट ऑफ ऑर्डिनरी डायलिसिस। तो पहले आप लोग ये फोटो बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके फोटो बना लीजिए। अब यहां पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रो डायलिसिस, ये कह देंगे इलेक्ट्रो डायलिसिस। समझ गए जो इलेक्ट्रो डायलिसिस क्यों कहा गया, क्योंकि ये घटना, ये फेनोमेनन, ये प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हुआ है, इसलिए हम कह दिए इलेक्ट्रो डायलिसिस। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए तो, और लिखिए एक लाइन, लाइन लिखिए देते हैं, क्या लिखें, रेट ऑफ इलेक्ट्रो डायलिसिस। देखते हैं जो आप लोगों के सामने लिखते हैं तो वीडियो लॉन्ग होगा, देखने में टाइम वेस्टेज होगा, इसीलिए वीडियो को बंद करके और नोट कर देते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रो डायलिसिस इज फास्टर दैट ऑफ ऑर्डिनरी डायलिसिस। ठीक है, यानी ये जो इलेक्ट्रो डायलिसिस का रेट फास्ट होता है किसके अपेक्षा, ऑर्डिनरी डायलिसिस के अपेक्षा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, तो यही पॉइंट है आपका, इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, नाम सुने हैं कभी, जो लोग बायोलॉजी के हैं वे जानते होंगे, इन केस किडनी फेल्योर ब्लड कैन बी प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस प्रोसेस। जब लिविंग का, और लिविंग में किसका, कुत्ता बिल्ली का, कोई नहीं, जब भी होगा तो आदमी का, आदमी बहुत स्वार्थी है, समझ गया ना, दुनिया में इसीलिए ना बहुत बच्चा जो है ऑनलाइन स्वार्थी के कारण, कम से कम हर समय तो मोबाइल टिपने का मोबाइल मौका मिलता होगा, इसीलिए छोड़ नहीं रहा होगा और सोचता होगा चलो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं। ठीक, तो इन सब नहीं, एक्सेप्शन है, इसीलिए सभी के लिए कोई रूल लागू नहीं होता है, ये केमिस्ट्री है, समझ गए ना, ये नहीं सब बच्चे उदास हो जाइएगा जो सर जी आप कितना कमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर, हम तो पढ़ने वाले हैं, हाँ एकदम ऑफ कोर्स, इसमें कोई शंका नहीं, सभी के लिए सभी रूल लागू नहीं होता। इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, यानी किडनी जब फेल कर जाता है, ब्लड कैन बी प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस प्रोसेस। आप नाम सुनिएगा, बहुत फेमस टर्म है जो डायलिसिस हो रहा है, तो अब डायलिसिस जैसे ही कोई आपसे कहे तो क्या समझिएगा, सिर्फ जो इसका क्या हो रहा होगा, ब्लड में इंप्यूरिटीज आ गया होगा, ब्लड टॉक्सिक हो जाता है इंप्यूरिटीज आने से, उसको प्यूरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो सेकंड मेथड यानी अल्ट्रा फिल्टरेशन, देखिए नेम से ही है अल्ट्रा, और अल्ट्रा जैसे ही किसी भी टर्म में लगा दिया जाए तो माइन्यूट से आता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब छोटा से छोटा बारीकी। तो समझिए आप सब लोग, बालू को चालने वाला मकान जो बनता होगा, उस बालू को चालने वाला देखे होंगे, कंकड़ पत्थर को चालने वाला, और उसमें तो बड़ा बड़ा होल होता है। अब सोचिए उस बालू को चालने वाला को आपको बनाना है आटा को चालने वाला, समझ रहे हैं बात को, बालू चालने वाला देखे हैं कभी, बड़ा होल वाला, उसको बनाना है आटा। आप कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी बात, पहले उसको कोल्योडियन में डुबा देंगे। व्हाट इज कोल्योडियन, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इथर एंड अल्कोहल मिला हुआ रहता है, उसको ही नाम कोल्योडियन है। सपोज कीजिए उसको, किसको, बालू चालने वाला को आप लस्सी में डुबा दीजिए,
तो ये जो होल है उस होल पर लस्सी लग जाएगा, तो पहले की अपेक्षा अब होल वे छोटा हो जाएगा। उसी तरह से अब वे फिर डुबा दीजिए किसमें, तो फॉर्मल्डिहाइड में, ये जो छोटा होल है अब हार्ड हो जाएगा, अब उससे हम छान सकते हैं। एक एग्जांपल समझाया, अब उसी तरह से समझिए। द पोर साइज ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर इज रिड्यूस्ड बाय इम्प्रेगिनेटेड विथ कोलिडोन सॉल्यूशन। इम्प्रेगिनेटेड मतलब भरना, उसको क्या कर देना, भरना किस किस से, तो कोल्यूडियोन से। अब कोल्यूडियोन क्या है, तो 4% सेल्युलोज डाइनाइट्रेट सॉल्यूशन इन अल्कोहल एंड इथर। मतलब जिस तरह से लस्सी आपको नाम सुनाए, दही होता है, शक्कर होता है, क्या क्या होता है सब लोग जानते हैं, उसी तरह से जैसे ही हम लोगों से कोल्यूडियोन कहा जाए, तो उस कोल्यूडियोन को कोल्यूडियोन में क्या करेंगे, ऑर्डिनरी फिल्टर को डुबा देंगे। जैसा कि चाय छन्ना तो सब लोग जानते होंगे, अंग्रेज तो चले गए लेकिन चाय दे करके गए, सब घर को बर्बाद करके गए, हैं तो जरूर जानते होंगे, उस चाय छन्ना को किसमें डुबा दीजिए, कोल्यूडियोन में। और उसके बाद उसको हार्ड करने के लिए किसमें, एंड हार्डनिंग द मटेरियल डिपोजिटेड इन द पोर्स बाय फॉर्मल डिहाइड, और फिर उसको फॉर्मल डिहाइड में डुबा दीजिए। सच ए मॉडिफाइड फिल्टर पेपर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब उसका नाम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन गया। व्हेन सोल इज पोर्ड ऑन अल्ट्रा फिल्टर पेपर द इलेक्ट्रोलाइट आयन पास थ्रू इट रिटेनिंग द कोलोइडल पार्टिकल ऑन इट। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इलेक्ट्रोलाइट आयन फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी इसमें काम की बात क्या है, 12th में तो कभी पूछा नहीं जाएगा, बस काम की बात इतना ही है, जो कोल्यूडियोन क्या है, तो 4% सेल्युलोज डाइनाइट्रेट सॉल्यूशन, इससे क्या होता है, तो पोर का साइज, होल का साइज जो है छोटा हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड क्या करते हैं, तो हार्डनिंग का काम करते हैं, ठीक। अब यूज करते हैं तो बस इतना ही कॉम्पिटिशनल काम की बात है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट मेथड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इन दिस मेथड कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन ए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन। यानी कोलोइडल सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में प्लेस्ड करेंगे। ऑन सेंट्रीफ्यूजनिंग द कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन, द इम्प्यूरिटीज रिमेन द सेंट्रीफ्यूगेट एंड रिमूव। The settled colloidal particle are mixed with water to form colloidal solution again. देखिए ये किस तरह का प्रोसेस है, आप घर में देखे होंगे जो ये जो मक्खन है उस मक्खन से मथा जाता है, तो ये ही एक क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। लेकिन इसका जो स्पीड है वे बहुत ही ज्यादा 1 मिनट में होता है। तो इसी तरह से जैसे ही हम लोग मथते हैं, तो मथने के बाद लाइटर पार्टिकल जो है वे क्या होता है, वे सेंटर की तरफ जाता है और हैवियर पार्टिकल और डाउन फ्लो होता है। तो उस प्रोसेस को ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो वैसे ये इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ आपको सुना दिए जो सेंट्रीफ्यूगेशन को एक टर्म है, समझ गया, जो एक वैसा मशीन जिसमें एक घिरनी लगा हुआ रहेगा, हाई स्पीड से चलेगा और इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्यूरीफाई कर लेते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस है आज बताए, उसका नाम क्या है, डायलिसिस। ब्लड को प्यूरिफाइड किससे किया जाता है, डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। बस सिर्फ डायलिसिस याद रखें और दूसरा कोलोडियोन टर्म जो समझाए, 4% नाइट्रो डाई नाइट्रो सेल्यूलोज
और क्या अल्कोहल और इथर में मिक्स किया जाता है, बस वही टर्म इंपॉर्टेंस है। ठीक, चलिए।